कि तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती हो या सादान से? क्या मतलब? जो मैं कह रहा हूँ वो करो ना, और जो जवाब तुम्हारे अंदर से आएगा हमें पता चल जाएगा कि हम गलत कर रहे हैं या सही। जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, हो सकता है वो सुन के तुम्हें एहसास हो जाए कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता था और क्या सोचता हूँ। मैंने अलीना को डिवोर्स दिया। लेकिन अलीना को डिवोर्स देने से मेरी लाइफ पे क्या फर्क पड़ रहा है? मेरा मसला तो वहीं का वहीं है ना। तुम चाहते क्या हो सादान? वैसे एक बात कहूँ सादान, काफी वक्त से कहना चाह रही थी, मौका नहीं मिल रहा था। मैंने नोट किया है कि जैसे ही अलीना तुम्हारे सामने आती है तुम तो बिल्कुल ही बदल जाते हो, दीवाने हो जाते हो, आंखें फेर लेते हो मुझसे। यू जस्ट लेफ्ट सादान, ना मुझे बताया ना मुझसे पूछा, यू जस्ट लेफ्ट एज इफ आई डोंट एग्जिस्ट। मैं उसके साथ इसलिए गया था क्योंकि मुझे अपनी बच्ची को ढूंढना था, तो लंच या डिनर करने नहीं गया था। ये अभी की बात नहीं है, मैं पहले से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जैसे ही तुम उसका नाम सुनते हो तो तुम्हारी आंखें चमकने लगती हैं। अलैकुम मिसेस अलीम, मैं अलीना बोल रही हूँ। निम्रा तो नहीं आई आपके घर? नहीं, वो पता नहीं कौसर बता रही है घर पे नहीं है, मैं ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई हूँ। आपने देखा उसे? पता नहीं कहाँ चली गई है, मैंने सब जगह ढूंढ लिया है। शारिक भाई, हाँ मैं उनके घर फोन करती हूँ। ओके। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना अलीना? नहीं, खैरियत नहीं है, निम्रा नहीं मिल रही। निम्रा नहीं मिल रही, क्या मतलब इस बात का? हेलो बेटे, बेटे आपने निम्रा को तो नहीं देखा? शाम को नहीं, अभी अभी तो नहीं देखा, पता नहीं कहाँ है। अम्मी अब्बू कहाँ है आपके? नहीं बेटा, अगर वो आए तो उनसे कहना कि प्लीज मुझे फोन करें अगर कोई निम्रा की खबर मिलती है, सामने कहीं कहीं पे भी नजर आए तो। ओके। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, मैं अलीना बोल रही हूँ। जी जी नहीं नहीं खैरियत नहीं है, एक्चुअली मेरी बेटी नहीं मिल रही, निम्रा जी नहीं, घर पे नहीं है, बाहर भी नहीं निकली, पता नहीं मुझे नहीं समझ आ रही, मैं अभी ढूंढने लगी हूँ। अब जी नखील आ रहे, आ रहे, आपने देख? नहीं नहीं मैं करती हूँ, थैंक यू सो मच।
तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे कितनी हसरत थी इस घर में, इस कमरे में मिसेस सादान बन के आने की। बाबा मम्मी के पास जाना है। आओ बेटा। ये बच्चे यहाँ क्या कर रही? तुम एक मिनट रुको, मैंने कमरे में छोड़ कर आता हूँ। चलो मेरे साथ, कम ऑन लेट्स गो। तुम अलीना से छुप छुप के मिलते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अलीना से छुप छुप के मिलते हो, जिस औरत को तुम तलाक दे चुके हो, तुम उससे मिलते हो अभी तक तुम्हें शर्म नहीं आई? How can you do this to me? How can you do this to me? मेरी बात सुनो। नहीं सुनी मुझे तुम्हारी बात। Oh my God, I cannot believe this. तुम मेरे साथ और मेरी मोहब्बत के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे समझ नहीं आ रही। अभी जुमा जुमा 8 दिन भी नहीं हुआ हमारी शादी को, तुमने सब शुरू कर दिया दोबारा। हाँ, I cannot believe this. क्या उसके बगैर नहीं रह सकते तुम? नहीं रह सकते तो क्यों छोड़ा था उसे? क्यों क्यों तलाक दी थी और क्यों मुझसे शादी की? हाँ, कभी कभी शुरू शुरू में जब मैं तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारे करीब आ रहा था तो मुझे एहसास होता था कि मैं शायद अलीना और अपने बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि मेरी मोहब्बत ज्यादती है? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। फिर क्या कह रहे हो तुम? अलीना और नखील ने ये प्लान बनाया था कि अलीना मुझे छोड़ दे। वो खुद मुझसे दूर होना चाहती थी। ऐसा नहीं है कि मैंने उसे छोड़ा, उसने ऐसे हालात बनाए कि मैं उससे नफरत करूं और उससे दूर हो जाऊं और इस सब में मैं तुम्हारे करीब आ जाऊं। मतलब अलीना की वजह से तुम मेरे नजदीक आए, मेरी मोहब्बत की कशिश नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह पे। मेरी मोहब्बत अपनी जगह मतलब मेरी मोहब्बत की क्या वैल्यू है हमारे बीच में? उसकी नफरत से कम या उसकी नफरत से ज्यादा? रामा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरे करीब मेरी मोहब्बत की वजह से नहीं आए, ना मैंने तुम्हें जीता, तुम्हें तो किसी ने छोड़ दिया, जानबूझ के हार दिया और तब तुम मेरे पास एज ए लेफ्ट ओवर आए। और तुम्हें इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ दिया, ना कि तुमने उसे छोड़ा। रमा, बात यह नहीं है कि उसने छोड़ा या नहीं छोड़ा, उसने मुझे धोखा दिया है। अलीना से तुम्हें प्यार था, अलीना के साथ तुम्हारे बच्चे थे, अलीना ने तुम्हें धोखा दिया, अलीना के लिए तुम्हारे दिल में नफरत है, लेकिन अब भी तुम्हें अलीना से बात करनी है। इस सब में मैं कहूँ सादान, वेयर एम आई? रमा प्लीज, देखो मेरी बात नहीं समझ रही हो तुम, मेरी बात तो समझो। मैं सब समझ गई हूँ सादान। अगर तुम अपनी मनमानी करोगे तो मेरे पास भी बहुत चॉइसेस हैं। जस्ट कीप दैट इन माइंड। ऑप्शंस क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि अगर अलीना तुम्हारी जिंदगी में रही तो मेरे माजी के भी दोस्त हैं जो हर वक्त मेरा हाथ थामने को तैयार है, और अगर तुम अलीना को नहीं छोड़ोगे तो मेरे पास भी चॉइस है कि मैं जब चाहे जिसका चाहे हाथ थाम लूं। तुम क्या फजूल बात कर रही हो? वफा करोगे तो वफा करूंगी, जफा करोगे तो जफा करूंगी। तुम्हारे जैसे हूं, जो तुम करोगे वो मैं करूंगी। क्या जवाब दिया तुम्हारे दिल ने? तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती हो या सादान से? सादान से तो मैं बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन अब नहीं करती। और मुझसे? देखो अशर, मैं चाहे अच्छी हूं या बुरी, रिश्ते बिल्कुल सच्चे बनाती हूँ। ये मेरी बात का जवाब नहीं। मोहब्बत कोई बिजली के बटन की तरह नहीं होता कि जब चाहे ऑन कर दिया, जब चाहे ऑफ कर दिया। ये भी मेरी बात का जवाब नहीं। तो फिर और क्या कहूं? कहां तक आ गए हम साथ चलते चलते? अब भी नहीं कहोगी तो कब कहोगी? तुम हेजिटेट मत करो बिंबो, बस सच बोलो।
अगर तुम मुझसे नफरत भी करती होगी ना तो कह दो, लेकिन तुम्हारा ये कजन हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। मम्मी मुझे बहुत मारेंगी, पापा भी मुझे बहुत मारेंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगी मम्मी, ये मैंने क्या कर दिया? एमन के पापा वैसी गोली चलाएंगे जैसे एक मरतबा मेरे पापा ने गोली चलाई थी। ने कहा ना, मोहब्बत बिजली के एक बटन की तरह नहीं होती कि बस जब चाहे ऑन जब चाहे ऑफ करते हो। मोहब्बत तो ऐसी होती है जैसे आहिस्ता आहिस्ता रात से दिन होते जाए, ऐसी। तो क्या कभी मेरे दिन का आगाज हो सके? अभी तक तो नहीं हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हो जाए। मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहती हूँ। सादान के बाद मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी जिंदगी में आना चाहिए, क्योंकि मैं सांसों के बगैर तो जिंदा रह सकती हूँ लेकिन मोहब्बत के बगैर। Anyways, I'm getting late. I have to go. Tax वालों के पास और customers के पास भी जाना है। मैं क्या करूं अल्लाह ताला? मैं क्या करूं? अल्लाह ताला प्लीज मुझे बचा ले, मुझे बचा ले प्लीज। एमिन के पापा मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे मार देंगे। मुझे गोली से बहुत डर लगता है, वो मुझे गोली से मार देंगे। अल्लाह ताला मुझे बहुत डर लगता है, अल्लाह ताला प्लीज। अल्लाह ताला प्लीज बचाए मुझे। कहाँ है आप? अल्लाह ताला प्लीज बचाए। एमन के पापा मुझे पुलिस में दे देंगे, वो मुझे जेल भिजवा देंगे, वो मुझे जेल में डाल देंगे। वहाँ पे मम्मी भी नहीं होगी, मुझे बहुत डर लगेगा। जैसे मेरे पापा को जेल हो गई वैसे मुझे भी जेल हो जाएगी। मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? क्या मेरी बच्ची के साथ?
मालिक अपना रहम कर, मालिक अपना करम कर, या कहीं रहमत कर। मालिक अपना रहम कर, या अल्लाह अपना रहम कर, करम कर, या ये कहीं मेरे मत करता है, या ये कहीं मेरे मत करता। जी सर जी, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिले हमें बता दीजिएगा, हम बहुत परेशान हैं। थैंक यू। कहाँ चली गई मेरी बच्ची? लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरी बच्ची कहाँ है, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। हौसला करना होगा। अभी मेरी पुलिस वालों से बहुत डिटेल में बात हुई है, वो कह रहे हैं कि वो हर जगह ढूंढेंगे, पूरे इलाके में निम्रा की फ्रेंड्स की तरफ हर जगह ढूंढेंगे। अब मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला वो मिल जाएगी। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला मेरी बच्ची के साथ। कुछ नहीं होगा, तुम्हें हौसला करना होगा, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? एमन हॉस्पिटल में निम्रा मिल नहीं रही, ये हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या हो गया हमारी जिंदगी को? हालात ने बंदों का इम्तिहान ले लिया और इस वक्त वो हमारा भी इम्तिहान ले रहा है। But we have to make sure कि हम एक साथ खड़े हों इस वक्त, हम इसे इकट्ठा फेस करें। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि बहुत जल्द एमन और निम्रा हमारे साथ होंगी। कैसे यकीन कर लूं मैं, कैसे यकीन करूं, मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ होगी इस वक्त। जैनब के केस के बाद तो बहुत डर लगता है, पता ही नहीं है निम्रा को कौन ले गया। हालत देखने आई थी ऐसा नाना भाभी की। हाँ, किसी का बच्चा गुम हो जाए रात के इस पहर, इंसान तो पागल ही हो जाएगा। अरे ये कौन है, तो देखना कौन ही है। अरे अरे वो तो निम्रा है। Never.
भी डॉक्टर साहब। निम्रा बेटा क्या कर रही हो तुम? निम्रा प्लीज पीछे हो जाओ, प्लीज बेटा प्लीज। निम्रा बेटा ये आप क्या कर रही हो? मैं आप उधर ही रुको, मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। नहीं नहीं आप ऊपर मत आए, आप मुझे पुलिस में दे देंगे, मुझे पुलिस में नहीं जाना। पुलिस को दे देगा? क्या बातें कर रही हो, प्लीज नीचे आ जाओ बेटा। मैंने खुद देखा था। नहीं नहीं बेटा आपको गलत लग रहा है। नहीं नहीं आप ऊपर मत आइएगा। नहीं नहीं बेटा आपको गलत लग रहा है, तो पुलिस तो आपको ढूंढने के लिए आई थी, आपको आपको सिर्फ आपको ढूंढ रही थी सच में। नहीं नहीं निम्रा प्लीज प्लीज आपको गलत लग रहा है, मैं आपसे कह रहा हूँ आपको आप प्लीज वही खड़ी रहो। नहीं प्लीज बेटा नीचे आ जाओ, प्लीज पीछे हट जाओ, गिर जाओगी। निम्रा बेटा मैं उधर ही रुको, मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं इमन बेटा प्लीज आप मेरी बात सुनो, प्लीज प्लीज बहुत बहुत एज पे खड़ी हो आप, प्लीज मत जाओ, एक दफा मेरी बात तो सुन लो आप। नहीं मुझे पुलिस में नहीं जाना। निम्रा बेटा प्लीज मेरी बात। नहीं मैं आपको पुलिस के हवाले क्यों करूंगा बेटा, आप मेरी बेटी हो। नहीं आप मेरे पापा नहीं है, आप सिर्फ एमन के पापा हैं। बेटा प्लीज ऐसे मत करो, मेरी बात मानो, देखो एमन की तबीयत भी खराब है, आप परेशान मत करो हमें प्लीज। मुझे पता है मैंने एमन को मारा, आप मुझे मारेंगे। नहीं बेटा निम्रा निम्रा बिल्कुल एज पे निम्रा निम्रा मेरी बात सुनो आप, देखो आप मेरी बात मानो, मैं आपसे कह रहा हूं आई प्रॉमिस यू मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। निम्रा नहीं नहीं आओ मुझे पुलिस में दे देंगे। नहीं 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 मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। नहीं आओ मुझे पुलिस में दे देंगे। आओ आओ नहीं चलो चलो आओ नीचे आओ आओ ध्यान से। चलो आओ नीचे आओ आओ ध्यान से ध्यान से ध्यान से आओ। निम्रा ये क्या किया तुमने बेटा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? अब कैसी तबीयत है अमन की? अब ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसी कंडीशन में बीपी ऊपर नीचे हो जाता है, पर परेशानी की कोई बात नहीं। तेरा लाख लाख शुक्र, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने कहा ना जब मरीज कोमा में हो तो बीपी ऊपर नीचे हो जाता है। या अल्लाह तेरा रहम है, मुझे नकली को फोन करके सब बताना चाहिए। मन की हालत बेहतर है, क्या हुआ था तुम अचानक घर चले गए? क्या निम्रा नहीं मिल रही थी? कहाँ चली गई थी वो?
आप तशरीफ़ लाई हैं इसलिए मैंने मिलने से इनकार नहीं किया, लेकिन अगर आप सादान साहब से मिलना चाहती हैं तो उसके लिए आपको पहले टाइम लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं सादान से मिलने के लिए नहीं आई। सच पूछें तो मैं सादान के किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? हैरत हो रही होगी आपको, मगर पाकिस्तान बदल रहा है और इस मुल्क की बर्बादी की एक ही वजह है, ये अफसरान, पॉलिटिशियंस, अमीर तबके के लोग। वे अकेले ही नहीं बल्कि मिलके अपनी फैमिली के साथ खाते हैं, इस मुल्क को लूटते हैं। लेकिन मैं इन लोगों में से नहीं, बल्कि मैं सादान की और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आई हूँ। ओह, अनबिलीवेबल। आप कह तो ठीक रही हैं, एक शख्स क्या, यहाँ तो पूरी की पूरी फैमिली मुल्क का लूटा हुआ खजाना खा रही है, और अगर कोई शख्स किसी केस पे फंस जाता है तो उसके लिए फैमिलीज आउट ऑफ वे जाकर रास्ते निकालती हैं ताकि वो किसी तरह भी बच जाए। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि किसी भी तरह की माली करप्शन का रिजल्ट क्या होता है। मैं सादान के किसी भी जुर्म में शरीक नहीं होना चाहती, ना हूँ। एक मिनट रुकिएगा प्लीज। तनवीर साहब, आप अदनान को लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाइए। तो क्या आप उन अकाउंट्स की तफसीलात दे सकते हैं जिनसे पैसे निकलवाए गए थे? जी बिल्कुल, बल्कि मैं आपको ऐसे भी कुछ अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ जिसके बारे में और कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं और मेरे शोहर सादान जानते हैं। वैसे क्या ही अच्छा हो कि आप जैसी अगर फैमिलीज हो जाएं, बल्कि आप जैसी अगर बीवियाँ हो जाएं जो अपने शोहरों की करप्शन पर बजाय उनका साथ देने के उनसे इख्तलाफ करें, अपने बच्चों को हक हलाल खिलाने की तरबियत दें, यकीन जानिए पाकिस्तान बदल जाएगा। थैंक यू। मैं भी ऐसे ही समझती हूँ कि पाकिस्तान बदल रहा है, तभी तो मैं यहाँ आई। मेरा चाहे जितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन एक मैसेज पहुँचना चाहिए कि जो भी पाकिस्तान को खोखला करेगा उसके साथ उसकी फैमिली तक नहीं खड़ी होगी। बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसा ही होगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़, मैं यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ प्लीज़ इस रूम के हद तक रहें। मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम डिस्क्लोज़ किया जाए कहीं भी। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, इस कमरे में जो भी गुफ्तगू हो रही है उसको मुकम्मल से गैराज में रखा जाएगा। आप कॉन्फिडेंटली हम पे ट्रस्ट कर सकती हैं। Yes. सर, ये केस तो तैयार था, सादान साहब के बच्चे की हवालगी का केस। पेमेंट भी आ चुकी है इनकी? हाँ, पेमेंट तो आ चुकी थी, मगर अखबार में पढ़ा नहीं तुमने?
सादान साहब को तो एफबीआर वालों ने अंदर बंद किया हुआ है। तो सर पर क्या करना है? देखते हैं, पहले सादान साहब एफबीआर वालों से जान तो छुड़वा लें, बाहर तो आ जाएं। मेरा ख्याल है कि फिलहाल इस केस को फाइल करने की जरूरत नहीं है, ले जाओ उस फाइल को। जी सर। मम्मी मैं बहुत डर गई थी, मुझे लग रहा था आप लोग पुलिस को ले आए हैं। बेटा ऐसे क्यों सोच रही थी आप? मुझे लग रहा था इमन के पापा मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे पुलिस में दे देंगे। जैसे मेरे पापा को जेल हो गई वैसे मुझे भी जेल हो जाएगी। निम्रा ऐसी बातें क्यों सोच रही हो तुम? तुम जानते हो वो कितना प्यार करते हैं तुमसे। वो मुझसे प्यार नहीं करते, वो मेरे पापा नहीं है, वो इमन के पापा है, वो इमन से प्यार करते हैं। हाँ लेकिन अब वो तुम्हारे पापा हैं। लेकिन असल में तो वो इमन के पापा है ना, मैंने खुद देखा था वो पुलिस से बात कर रहे थे। निम्रा हम सब तुम्हें ढूंढ रहे थे, जानते हो तुमने हमें कितना परेशान कर दिया था, हर जगह ढूंढा हमने, कितनी गलत हरकत की है तुम्हें, तुम्हें पता है इसका? एमन को कितनी बुरी चोट आई है तुम्हें अंदाजा है? खुदा ना खासा कुछ हो जाता उसे तो। मुझे नहीं पता था एमन को इतनी बुरी चोट लग जाएगी। ना जाने कितनी चोटें इन रिश्तों पे भी लगी है। मम्मी I'm so sorry, मम्मी आप प्लीज निखिल अंकल से कहना कि वो मुझे माफ कर दें, वो मुझे पुलिस में ना दें, वो मुझे जेल ना भिजवाएं। मम्मी निम्रा फिर वही बात कर रही हो तुम, अभी मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें अंदाजा है कितनी बड़ी गलती की है तुमने? जेल जेल बेटा, कोई तुम्हें जेल नहीं भिजवाना चाहता, तुम्हें क्या हो गया? रात को भी कुछ नहीं खाया, मेरे साथ कैंटीन चलो, चलकर नाश्ता कर लो। नहीं आप ही, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है, खाओगे पियोगे नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, और उस वक्त अहमन के लिए तुमने अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल रखना है। कुछ नहीं होगा मुझे, आप मेरी फिक्र ना करें। मैं जानती हूँ तुम मुझसे जिद कर रहे हो, और तुम ये जानते हो कि मैं तुम्हारी जिद कभी नहीं मानती। प्लीज मेरे जानू भाई हो ना, मेरी बात तो नहीं टालोगे? शाबाश, बच्चों की तरह जिद नहीं करते हैं। अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि क्या मिला तुम्हें इस शादी से? मैं तो बहुत खुश थी तुम्हारी हिमायत भी की, कि चलो नैना के इस दुनिया से जाने के बाद कोई तो ऐसा तुम्हारी जिंदगी में आएगा जो तुम्हारा ख्याल रखेगा, अमन की देखभाल करेगा। लेकिन ये ख्याल रखा है तुम्हारा, शक्ल देखी तुमने अपने आईने में, आधे रह गए हो, और अमन इस वक्त जिंदगी और मौत की कशमकश में। अरे तुमने पूछा क्यों नहीं अलीना से, उसे डांटा क्यों नहीं? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्या पूछता, क्या डांटता उसे? ये सब किसकी जिम्मेदारी बताओ मुझे? अमन को संभालना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाब दो ना। कहना कि वो कितनी बेचैन होगी, कितनी तड़प रही होगी अपनी बेटी की हालत देखकर, क्या जवाब देंगे हम उसे ऊपर जाके कि ये ख्याल रखा है हमने तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का, और इस सब की जिम्मेदार अलीना और उसकी वो लाडली बेटी निम्रा है। कि आराम से बात करें अस्पताल में। क्या आराम से बात करूं, मेरा कलेजा फटा जा रहा, तुम कह रहे हो आराम से बात करूं? वो छोटी बच्ची है, मैं उसे क्या कह रहा था? क्या मतलब है तुम्हारा बच्ची है? हाँ तो अमन तुम्हारी बच्ची नहीं है? एक बच्ची दूसरी बच्ची को धक्का मार कर कत्ल कर दे और उसको कुछ ना कहा जाए, उसको उसके किए की सजा भी ना दी जाए,